हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूं सुनो, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल की सुनो का एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल। गाइस आज मैं करने वाला हूं एक रियलमी 8 जो है मोबाइल, इसका मैं करने वाला हूं अनबॉक्सिंग। आप लोगों को बहुत दिनों से इंतजार होगा कि हम कब इस पे फोन का जो अनबॉक्सिंग करेंगे। तो फाइनली गाइस आ चुका है मेरे पास रियलमी 8 का फोन, जिस फोन को मैं करने वाला हूं अनबॉक्सिंग और आपको पूरा रिव्यू दूंगा। और फोन के जो लास्ट में आपको वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा कितना प्राइस है, कितना में लिए हैं, तो आपको लास्ट में मिल जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए गाइस हम वीडियो बॉक्स को करते हैं अनबॉक्सिंग और आपको दिखाते हैं। तो गाइस इस फोन को हम दिखा देते हैं, इसकी ये रियलमी 8 है। और गाइस इसका स्टोरेज है जो 4GB रैम है और 128 स्टोरेज है। तो गाइस सबसे अच्छा फोन है, तो आपको मिल जाएगा लास्ट में। तो हम इसको करते हैं अनबॉक्सिंग। चलिए गाइस, तो ये हो चुका है अनबॉक्सिंग, अब निकालते हैं अपने फोन को। वाओ, तो देख सकते हैं ये फोन निकल गया। तो जैसे इसमें करते हैं तो एक तो है इसमें, एक इसमें कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे एक मिलता है सिम टूल, आप देख सकते हैं यहाँ पे सिम टूल है और इसमें ये मेरा है फोन। तो चलिए मैं अपना फोन को निकालता हूँ। यह है फोन, आप देख सकते हैं जो सिल्वर कलर में है। रखते हैं फोन को साइड में और इसके साथ एक बैक कवर है जिस जो बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है, इसको भी रखते हैं साइड में और देखते हैं क्या है कवर में। ये है यूज़र मैनुअल, देख सकते हैं इसको कोई नहीं पढ़ते हैं। चलो इसको भी करते हैं साइड में और एक ठो है, चलो इसको भी करते हैं साइड में। और ये है चार्जर, जो फास्ट चार्जर है जो 30 वाट का है। और एक इसका चार्जिंग केबल है, देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं दिल से दिल को जोड़ने वाला तार, इसको भी करते हैं साइड में। और बॉक्स में कुछ भी नहीं है, तो इतना तेज था सर। तो अब इसको करते हैं साइड में। इसको कर लिया रिमूव और इसको करते हैं साइड में, आप देख सकते हैं तार। तो सब हो गया साइड में, तब हम अपने आते हैं। तो गाइस आते हैं अपने मेन प्रोडक्ट के पास। तो गाइस आप देख सकते हैं कितना ही ये बेटली मोबाइल है और बहुत ही अच्छा देख सकते हैं। और इसका बैक कैमरा का डिज़ाइन जो है बहुत ही अच्छा है, तो इसमें 4 कैमरा दिया गया है। तो जो इसका बैक साइड है वो है सिल्वर कलर का, आप देख ही सकते हैं। तो गाइस ये बहुत ही अच्छा लग रहा है मोबाइल देखने में, और आपको इसके बारे में क्या बता सकते हैं। तो गाइस इसके आगे में एक फिंगर है, देख सकते हैं बहुत ही स्मूथली काम करता है। जो गाइस आप लोगों को वीवो में मिल जाता होगा, तो वीवो जो मोबाइल निकला था उस समय रिलीज हुआ था वीवो Y23 सर, 23 भी था, 25 भी था, 25 था, लेकिन इससे अच्छा ये था। तो गाइस इसमें साइड में जो है इसका पावर बटन है, जैसे इसको दबाते हैं फिंगर इसका बहुत ही स्पीड से काम करता है, तो देख सकते हैं आपको। तो गाइस इसका जो है बैक जो साइड में दिख रहा होगा, इसका बैक जो बैक कैमरा का ये तस्वीर है, और जो आपको दूसरा तस्वीर दिख रहा होगा तो गाइस ये फ्रंट कैमरा का लिया गया तस्वीर है, जो बहुत ही अच्छा इसमें डिटेल दिखा रहा है, आप देख ही सकते हैं। तो गाइस और जो है जो हर डिटेल को अच्छी तरह से ये दिखाने का कोशिश करता है। तो गाइस और जो आप इसके बारे में बताऊं, तो मोबाइल जो है इसका जो वेट है लगभग में 8.3 ग्राम होगा, 8.3 या 5 ग्राम होगा। तो गाइस आप जो है इसके पहले हम बहुत से मोबाइल का रिव्यू देख चुके हैं, तो उसमें इतना ज़्यादा जो होता है इसका कम प्राइस, इतना कम प्राइस में आपको नहीं मिल पाया। तो गाइस इसका जो हम प्राइस का बात करें, तो ये हमको 15,000 से नीचे ही पड़ा है। तो गाइस अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, वंदे मातरम।